के उनको बच्चों को अभी तक नहीं देखा कहा है मौलाना बताइए लाने गए देखिए बच्चा आ रहा है मैंने अभी उन बच्चों को भी नहीं देखा लेकिन इतना यकीन इतना भरोसा मुझे इस गांव के रहने वालों पर है कि जिस गांव ने जिस मोहल्ले ने मोहल्ले के लोगों ने इतना बड़ा मदरसा 3 साल में कायम किया कि 3 हाफिज से कुरान को तैयार कर दिया बहुत सारे मदारिस बिहार में काम करते हैं जो जेब में काम करता है और बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं जो कागज पे काम करता है लेकिन खिरिया सब बोली बात क्या समझेंगे खिरनिया लेकिन खिरनिया गांव के लोगों आप काबिले मुबारकबाद हैं मौना मुजम्मिल हयात के अखलास में मौना मुजम्मिल कासमी के अखलास में उनके असातिज़ा की मेहनत और खुलूस ने ये हकीर लोग जिनको आप हिफाजत की निगाह से देखते हैं इनके अखलास का ये नतीजा और समरा है कि 3 साल में ऐसे बच्चे हमने दिए 3 साल में ऐसे फरसंदा ने तौहीद को इस गांव से पैदा करके आलम इस्लाम में भेजा जाएगा पूरी दुनिया में वो बच्चा कुरान की तिलावत करेगा वो इमामत करेगा वो खिताबत करेगा फिर उसका इमामत में काबिले फख्र होगा उसकी खिताबत में काबिले फख्र हुआ करेगी चूंकि उसके सीने में कुरान मौजूद है क्या मौजूद है कुरान मौजूद है मेरे बुजुर्गो मैंने नूरानी कायदा की बात की है मुकम्मल कुरान की बात नहीं की इस गांव के लोग काबिले मुबारकबाद इस गांव की माँ और बहना काबिले मुबारकबाद इस गांव के नौजवान काबिले मुबारकबाद इस गांव के बूढ़े काबिले मुबारकबाद जिन्होंने मुठिया का चावल दिया कोठी का चावल दिया रुपया और पैसा दिया और इसलिए दिया कि मौलाना इस रुपया और पैसे के बदले में हमें जमीन नहीं चाहिए हमें जायदाद नहीं चाहिए हमें नबी का वो वारिस बना करके दे दीजिए कि सूली पे चल रहा हो तो उसकी जबान पे जारी हो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु हमें ऐसा वारिस बना कर दीजिए जो इस मुल्क का भी मुहाफिज हो इस मिल्लत का भी मुहाफिज हो इस वतन का भी रखवाला हो ईमान का भी सिपह सालार हो मौलाना हमें ऐसा वारिस नबी बना कर दीजिए मौलाना मुजम्मिल ने 2 वारिस नबी तैयार करके आपको दिया अरे दिया क्या नहीं दिया आपने क्या दिया ज़कात दिया एहसान नहीं किया नमाज पढ़ा एहसान नहीं किया रोजा रखा आने वाले महीने में आप एहसान नहीं करेंगे आपने हज किया कोई एहसान नहीं किया आप ईमान में आए कोई एहसान नहीं किया कोई एहसान नहीं आपने नहीं किया ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अपने फर्ज की अदायगी की आपको तौफीक अता फरमाई यही बात है ना बाबा नमाज पढ़ के नमाजी सा बन जाइएगा इतना आसान है जन्नत जन्नत कहाँ है डर याद मैंने डायरेक्ट टर्न नहीं लिया सदर मोहतरम घुरवा के लेकर हमारे दोस्त हैं उस्ताद हदीस हैं उनकी भी याद करनी है हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो बेहतरीन मुतकल्लिम बेहतरीन खतीब हैं और किताबी बात करते हैं इल्मी गुफ्तगू करते हैं वो भी यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं और पूरे मुल्क में वो भी सफ़र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ उनका भी खिताब होना मौलाना सुहेल अख्तर है उनका भी खिताब होना है मेरा मामला तो है कि चूँकि ये इलाका कबाब वालों का है तो कबाब में हड्डी हो गए तो इस हड्डी को थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए तो मदारिस इस्लामिया का एक अपना किरदार एक वजूद होता है यहाँ बहुत सारे मास्टर होंगे बहुत सारे डॉक्टर होंगे बहुत सारे प्रोफेसर होंगे और बहुत सारे ताजिर भी होंगे चार भी होंगे कारोबारी भी होंगे जितने मास्टर हैं जरा वो पहले हाथ उठाइए तो मैं देखना चाहता हूँ कितना इस मामले मास्टर सरकारी मास्टर जनरल मास्टर नहीं आप लोग पीछे जाइए जितने मास्टर लोग आगे बैठे आइए आइए मास्टर सब मास्टर आइए बूढ़े हो पुराने हो नए हो जवान हो वो बोला आरक्षित वाले हो अनारक्षित वाले हो सब आ जाइए एक ही मास्टर पूरे मजलिस में चचा आ जाइए
जाइए, बुजुर्ग मास्टर साहब आ जाइए, आइए, आपको आवाज है, आपको दावत दी है, आज एक बात सुनना, आपको सामने में पढ़ा लिखा लोग बैठेगा तब न सुनेगा, ये तो आपके सच्चे दिल को सुनाना चाहते हैं, आपका शिफ्ट तो लाइए।